हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइज, आज हम शेयर करने वाले हैं पटियाला सलवार की कटिंग। तो इसको कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइज, ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये 2.5 मीटर है। आप चाहो तो 2 मीटर से भी सलवार की कटिंग आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी लेंथ है आपने चेक कर लेनी है, कितनी लेंथ है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही जो मार्क लगाना है। तो जो बेल्ट है वो हम 6 इंच रख रहे हैं, तो 6 इंच में छोड़ के जो लेंथ है मेरी 36 है और 3 इंच मैं रख रही हूँ एक्स्ट्रा, 39 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो अभी दूसरी साइड सेम वे से 6 इंच हम ऊपर को छोड़ देंगे और 39 पे निशान लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों ओर हमने जो मार्क लगा लिए हैं। तो अभी जो हमने जो मार्क लगाए हैं गाइज, उन दोनों को मिला देंगे आपस में। इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। लाइन है जो आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो आपका पोंचा होगा सलवार का अप डाउन, थोड़ा अच्छे से उसकी शेप नहीं आएगी, ठीक है। तो लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ये वाली। तो ये मैंने ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा मार्क लगाया है 39 इंच पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, हमने पोंचा है उसको कट करके अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप सलवार की कटिंग करें, पहले आप कपड़े को माप कर लें कि कपड़ा आपका सफिशेंट है कि नहीं है, आपकी सलवार बन जाएगी कि नहीं। कई बार कपड़ा कम भी होता है, तो उसी हिसाब से फिर बाद में आप उसकी कटिंग करें। तो ये जो पोंचे का फैब्रिक था वो मैंने कट करके साइड पे कर दिया। अभी जो सलवार का कुंदा होता है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा था गाइज, ये 2.5 मीटर कपड़ा था सलवार का, और ज़्यादातर सलवार का कपड़ा 2.25 मीटर भी आता है, और किसी किसी कपड़े का जो 2 मीटर में भी आता है। तो आप पहले माप कर लें इसका, उसके बाद कटिंग करें। तो बाकी का जो फैब्रिक हमारा बच गया है इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बिल्कुल स्क्वायर शेप में लाइक अ बॉक्स ऐसे हमारा जो कपड़ा है लगेगा अगर हम फोल्ड करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉर्नर है हमारे, आप कोई सा भी कॉर्नर ले सकते हो, उनको बिल्कुल तिरछी लाइन लगा देंगे हम टेढ़ी, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम जो लाइन है वो लगा देंगे। तो ये मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से सलवार की, पटियाला सलवार की कटिंग बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से करती हो तो जो पटियाला सलवार है बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक में रेडी होती है। तो देखिए, ये ग्रीन कलर में मैंने निशान लगाया है दोनों कॉर्नर पे, यहाँ से लेकर दूसरी और, ठीक है। तो अभी जो झोली होती है सलवार की वो निकालेंगे। ऐसे दिखा रही हूँ, जो पटियाला सलवार होती है उसकी जो झोली होती है वो मोस्टली 1 इंच होती है। तो 11 इंच पे यहाँ से हम मार्क लगाएंगे। तो 11 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी झोली है जो हम इसकी कट कर रहे हैं,
वो हम एक्स्ट्रा इसका कपड़ा नहीं रख रहे हैं, ये हम बीच में से कट कर रहे हैं। तो निशान लग चुका है हमारा, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो झोली का मार्क लगाने से पहले हमने अपने सलवार की लेंथ का मार्क लगा के जो पोंचा होता है वहाँ पे भी मार्क लगा देना है लेंथ वाइज कि कितनी लेंथ हमें कुंदे की रखनी है, ठीक है। ऐसे कटिंग करने के बाद ये जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी ये वाली, इसकी कटिंग करेंगे। तो पास से देख लीजिए, ये ग्रीन कलर में मैंने तिरछी लाइन लगाई थी। इस तरीके से पटियाला सलवार की कटिंग अगर आप करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट लुक बनकर रेडी आता है सलवार का, और बहुत ही ज़्यादा हैवी बनती है। अगर आपका कपड़ा कम है तो भी अगर आप इस वे से कट करोगे तो हैवी सलवार जो है आपकी बन के रेडी होगी। तो इसको हमने वहाँ तक डाउन जहाँ तक हमने अपने कुंदे का निशान लगाया है वहाँ तक कट कर लेंगे। और एक बात और, अगर आपने कुंदा जैसे हम पोंचे जितना रखना है उसी हिसाब से कुंदा रखना है, जैसे कि अगर आपने 7 इंच ओवरऑल पोंचा रखना है तो 1 से 2 इंच आप कुंदा रखते हो, उससे ज़्यादा फिर आप जो बचता है वो आप पोंचा रख सकते हो। तो ये 1 इंच कुंदा रख लिया है, बाकी का मैं पोंचा रखूँगी जो हमने पोंचा का पहले कट किया था वहाँ से, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना है कि आपने कुंदा और पोंचा कितना कितना रखना है, ठीक है। तो ये कट हो गया हमारा सलवार का पार्ट। इस तरीके से जहाँ से हमने झोली निकाल ली ये साइड है जो पोंचा आ गया, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें से हमने अभी अभी कट किया कपड़ा और ये कपड़ा जो हमारा बच गया है, ठीक। अभी इसका क्या करेंगे, इसका हम सेकंड पार्ट निकालेंगे कुंदे का, वो इसमें से ही निकालेंगे। और उसके लिए आपको मार्किंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपने जो पहला पीस कट किया है उसको आपने सेम इसी वे से जैसे ये झोली वाला पार्ट है उसको एक साइड रख लेना है और दूसरे पार्ट को सेम वे से बिल्कुल इक्वल रखते हुए इसके ऊपर ऐसे फैला देना है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सलवार है थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है, ठीक है, तो शेप उसकी अच्छी नहीं आती। बिल्कुल सेम रखना है, कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल सेम तरीके से फैला देंगे। उसके बाद जैसे ये हमारा कटिंग वाला है और नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसी मार्जिन से हम जो पीस है हमारा कट कर लेंगे नीचे वाला, ठीक है। देख लीजिए मैंने सेम रख दिया है, ऊपर फैला दिया है। अभी इसको जो नीचे वाला पार्ट है हमारा उसकी कटिंग कर लेंगे ताकि दोनों हमारे पार्ट है सेम हो जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, अभी जाएंगे पोंचे, और ये पोंचे वाली साइड है हमारी, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा कट किया हुआ ऊपर रखा हुआ है जो हमने कट किया था, और नीचे वाला था हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो गाइज़ आप 5 से 7 मिनट में सलवार की कटिंग आसानी से कर लोगे, बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और आपकी जो सलवार का लुक बनकर रेडी होगा बिल्कुल परफेक्ट। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सलवार की कटिंग जो फर्स्ट टाइम की है, अगर आप बिगनर हो आप टाइम कटिंग कर रहे हो तो भी आप इस तरीके से अगर कटिंग करते हो तो बहुत अच्छी जो कटिंग आपकी होएगी,
अच्छी बन के रेडी होगी। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे मैं आपको जो पोंचे की लेंथ है वो बता रही हूँ। सॉरी, ये हमने ऐसे कट कर लिया, ठीक है, सारा पार्ट। तो ये हमारा जो कुंदा है बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से हमने कट कर दिया है कुंदे को, ठीक है। तो देखिए जो सलवार का पार्ट है वो बन के कट हो गया है। और ये जो फ्रंट साइड होती है, यहाँ पे अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम इसको जो हमारा पोंचा होता है वो ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे, यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे ऊपर की साइड वल डालते हैं वो हम ऑन डालते हैं। उसके बाद हम इस पर बेल्ट लगाते हैं और लास्ट में हम इसका पोंचा है जो सलवार का वो बनाते हैं, ठीक है। और ये जो बेल्ट का कपड़ा है वो जो पोंचा है हमारा उसमें से ही मैं निकालूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़ा है और मार्क करने के बाद वो बच जाएगा, तो उसमें से बेल्ट का कपड़ा जो निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ। कुछ ही पलों में आप अपनी सलवार की कटिंग कर सकती हूँ बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ, मैंने आपको बताया है। तो आई समझ आ गया होगा। अगर स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो ज़रूर से बताना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।